मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूं, अपने बेटे के लिए आई हूं, लेकिन इस पते का आधार कार्ड बनवाने नहीं आई हूं, बस थोड़ी देर के लिए आई हूं। माना कि तोसू को मेरी जरूरत है, लेकिन मेरी बेटी को भी मेरी जरूरत है। हाँ, इस वक्त जितनी तोसू की जरूरत है उतनी ना सही, लेकिन मेरी बेटी को मेरी जरूरत है। और मेरे लिए इस दुनिया में, मेरी जिंदगी में सबसे 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 पहले है मेरे पति, मेरे अनुज, उसके बाद मेरा परिवार। बाप बिल्कुल सही कहती थी कि लड़की के लिए शादी के बाद उसका ससुराल ही उसका असली घर होता है। जब भी मायके जाने की इजाजत मांगती थी आपसे, आप यही कहती थी ना? बातें भूलने में तो आपने पीएचडी की है बाप। इतना कुछ हुआ, इतना कुछ सुना, इतना कुछ सहा, उसके बावजूद मैं इस घर में अपने बच्चों के लिए आती रही हूं और आके भी आती रहूंगी। लेकिन मैं अपने पति को और अपनी बेटी को अनदेखा नहीं करूंगी, जरा भी नहीं। आपसे घर नहीं संभलता बात, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। आपका घर आपकी प्रॉब्लम, पर बेटा मेरा है, इसलिए मैं उसकी पूरी तरह से देखभाल करूंगी, उसका ध्यान रखूंगी। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा भी ठीक हो जाएगा, यहां से चली जाऊंगी, क्योंकि मेरी असली जगह, असली जरूरत और असली जिंदगी सिर्फ और सिर्फ मेरे अनुज के साथ है। याने हम समझते हैं अनुपमा, थैंक यू कि तुम आई हो यहाँ पे। थैंक गॉड अनुपमा तुम आ गई, वरना ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि किंजल 24 घंटे तोसू के सिरहाने बैठे रहे। राखी बहन, किंजल को हर वक्त तोसू के पास बैठने के लिए कोई मजबूर नहीं करता, वो अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से बैठती है ना? और जिस तरह से लोग इस घर में तोसू को प्यार करते हैं, उतना ही किंजल को भी करते हैं, और ये बात आप भी अच्छी तरह से जानती हैं। हाँ, लेकिन जैसे तुम्हें अपने बेटे की चिंता है ना, मुझे भी अपनी बेटी की फिक्र है, मुझे भी उसके फ्यूचर के बारे में सोचना है ना अनुपमा। लेकिन ये बात इस घर में कोई नहीं समझता, सबको यही लगता है कि राखी बहन, ये समय एक दूसरे पे उंगली उठाने का नहीं, एक दूसरे का हाथ थाम के आगे बढ़ने का है। फैक्ट्री भी तभी चलती है जब उसमें लगी सब मशीनें एक साथ में अच्छे से काम करें। अगर एक भी मशीन बंद तो काम ठप, फैक्ट्री बंद। परिवार का भी वैसा ही है, परिवार के सभी लोग एक साथ में काम करें, अच्छे से काम करें, तो परिवार चलता है, वरना परिवार भी ठप। जैसे एक बच्चे को पालने के लिए पूरा परिवार चाहिए होता है, वैसे ही एक बीमार बच्चे की देखभाल करने के लिए भी पूरा परिवार चाहिए होता है, पूरा। देखिए, अब तोसू से रिश्ता सभी का है, तो जिम्मेदारियां भी सभी के हिस्से में आएंगी, किसी के हिस्से में कम आएगी, किसी के हिस्से में ज्यादा आएगी, लेकिन आएंगी, आएंगी जरूर। अब मैं जब तक हूं तब तक हूं, उसके बाद आप ही लोगों को करना है। तोसू से मिलकर आती हूं, स्वीटी के कमरे में रहूंगी। हमें बहुत कुछ बदलना होगा, आती हूं फिर बताती हूं। देखा जाए तो अनुपमा के आते ही सब तीर जैसे सीधे हो गए। अनुज ने मना नहीं किया, लेकिन उसे अनुपमा का यहां आना अच्छा नहीं लगा होगा। भगवान करे अनुज अनुपमा के बीच कुछ ठीक रहे। हमेशा नोट छोड़ के जाती है, आज भी छोड़ा होगा।
जय श्री कृष्ण बापूजी। जय श्री कृष्ण बेटा। क्या क्या हुआ बापूजी? समझ नहीं आ रहा बात कहां से शुरू करो। बेटी को आशीर्वाद देना आसान है, बेटे से माफी मांगना बहुत मुश्किल। प्लीज ऐसे मत कहिए बाबूजी, प्लीज। मतलब चुप रहने से सच थोड़ी बदल जाएगा कि ये परिवार तुम दोनों पे बोझ है। अनुपमा आना नहीं चाहती पर फर्ज लाता है। तू भेजना नहीं चाहता उसे पर फर्ज रोकने नहीं देता, शिकायत भी नहीं करने देता। शिकायत कर बेटा, शिकायत कर वरना अंदर अंदर खुद जाएगा। जो भी तेरे मन में है बोल बेटा, गुस्सा कर, झगड़ा कर, मुझे अपने पिता समझ के बोल। मैं सुनूंगा बेटा और समझूंगा भी। देख तुझे अगर अकेलापन लग रहा है तो मैं तेरे पास आता, बाप बेटे मिलकर बात करेंगे, चाय पियेंगे। पर अनुपमा को गलत मत समझ बेटा, वो मजबूर है। उसने सबको कहा था कि वो अपने पति और बेटी के पास वापस जाएगी। तू भी अपने मन की बोल, चुपचाप कड़वा घूट मत पी बेटा। बोल बेटा बोल, अपने अपने दिल का गुबार निकाल दे। अपने पिता से नहीं कहेगा तो किससे कहेगा? बापूजी ऑफिस से फोन आ रहा है, जरा इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं आपसे बात करता हूँ। ठीक है, फोन करना बेटा, फोन करना, जब जी चाहे फोन करना, फोन मेरी जेब में ही होता है। जी बापूजी जी, बाय, जय श्री कृष्ण। मेरे बच्चों की और कितनी परीक्षा लोगे भगवान, इन बूढ़ी आंखों को और क्या क्या दिखाओगे। मम्मी के आते ही माहौल कितना पॉजिटिव हो गया है ना, और हम भी। हाँ, अभी तक तोशु भाई को बीमार की तरह ट्रीट कर रहे थे, जबकि हमें उन्हें बीमार वाली फीलिंग से बाहर निकालना चाहिए था। जो हम सब नहीं कर पाए वो मम्मी ने कर दिया। हाँ बेटा, क्यों नहीं? हाँ जरूर खिलाएगा बेटा। थोड़ा सा नहीं खाना, नहीं खाना, फिर मैं ये करूंगी। सुतो
से बुद्धों से नैरंजनों से संसार माया परिवर्जितों से अब से तोसु अपने कमरे में बंद नहीं रहेगा, मतलब दोनों टाइम का खाना, सुबह का नाश्ता, शाम का नाश्ता, चाय, सब कुछ सबके साथ यहाँ बाहर खाएगा पिएगा। एब्सोल्युटली। तोसु का कमरा तो बदल दिया, अब घर की बारी। वो कहते हैं ना कि नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी, बराबर, घर के कोने कोने में छुप जाती है, अटक के रह जाती है। तो घर में चीजों की अदल बदल करो तो वो दूर भाग जाती है। तो कभी भी ऐसा लगे कि घर में माहौल उदास हो गया है तो फटाफट घर की सेटिंग बदल लेनी चाहिए। That's right. तो चलिए घर की साफ सफाई शुरू करते हैं, चीजें अदल बदल करते हैं। सोफा डाइनिंग टेबल की जगह डाइनिंग टेबल, सोफे की जगह चीजें यहाँ वहाँ करते हैं, बस ताकि घर में से नेगेटिव एनर्जी एकदम दूर भाग जाए और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी। अच्छा, एक्चुअली यू आर राइट मम्मी, जैसे हमारे इंडियन वास्तु में भी कहा जाता है एनर्जीज को इधर उधर करना होता है, उनको चेंज करना होता है, तो यही किया जाता है। You are right. बराबर, वो हमारे यहाँ पर जैसे मंदिर में घंटी बजाना, ताली बजाना, और फिर दिवाली के बहाने घर की साफ सफाई करना, दिए लगाना, ये सब घर की नेगेटिव एनर्जी को दूर भगाने के तरीके। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में लोग सेंटेड कैंडल्स जलाते हैं, फ्लावर्स रखते हैं। हाँ, सबके तरीके अलग अलग होते हैं, बाकी वजह तो एक ही है कि अगर मन अच्छा करना हो तो माहौल अच्छा होना चाहिए। बराबर, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं बापू जी। तो चलिए ना घर का माहौल अच्छा करते हैं और घर की जो नेगेटिविटी है उसे दूर भगाते हैं। तो कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए क्योंकि मौसम बदलने वाला है। बेटा तू कमाल है, सच में घर का माहौल और मौसम दोनों बदल गए, अब तो कोई लड़ भी नहीं रहा। इसीलिए तो सबको काम पे लगाया बापूजी, ताकि किसी को लड़ने का टेम ही ना मिले। बोलो। जो भी होता है, होने दे, होने दे, अरे पगले फिकर ना।